CR International Online Classes में वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं उन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, कि वो डिजीज हमें किस पैथोजन की वजह से हो रही है। जैसे वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, प्रोटोजोन डिजीजेस और हेलमेंटिक डिजीजेस। तो आज हम कुछ कॉमन डिजीजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस पैथोजन के थ्रू हो रही है, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से हो रही है और किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन वायरल डिजीजेस। कॉमन वायरल डिजीजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक किसी भी वायरल डिजीज का हमारे पास कोई फिक्स्ड ट्रीटमेंट नहीं होता। हम उन्हें सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू या किसी और मेथड से। वायरल डिजीजेस को सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, इनका कोई फिक्स्ड क्योर अभी तक किसी भी वायरल डिजीज का प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो हमें वायरल डिजीजेस के मेथड ऑफ ट्रांसमिशन समझना है और किस वायरस से हो रही है इसे हमें समझना है। एक वायरल डिजीज एड्स, उसे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे और उस पैथोजन की लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ वायरल डिजीजेस से। सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉमन कोल्ड, जो जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लू या इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मली उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो जो कॉमन कोल्ड है वो राइनो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो आपको पता ही है, स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक और सॉर थ्रोट भी हो जाता है इन सीवियर केसेस। आपके जो कॉमन कोल्ड में वायरस है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और नोज को इन्फेक्ट करता है, पर कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक कभी भी नहीं पहुंचता, ओनली रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया जो कॉमन कोल्ड है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होती है, यानी जो पेशेंट है अगर वो स्नीज करे, कफ करे और उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसको कॉमन कोल्ड स्प्रेड हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है। या फिर आप उनकी कोई टच की हुई चीज को, टिश्यूज को, यूटेंसिल को यूज करते हैं तो भी कॉमन कोल्ड स्प्रेड हो जाता है। इसका कोई भी हमारे पास फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं कॉमन कोल्ड में, वो इसलिए कहते हैं कि आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कॉमन कोल्ड की वजह से जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो पूरे म्यूकस से फिल हो जाता है, आपकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, तो कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हमें ना लगे। सॉर थ्रोट जो है वो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, तो इसीलिए कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक्स रेकमेंड कर देते हैं। इसका रिकवरी पीरियड 7 से 10 डेज होता है। 7 से 10 डेज के अंदर हमारी बॉडी अपने आप खुद को रिकवर कर लेती है विद द इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसकी हेल्प से हमारी बॉडी 7 to 10 डेज में अपने आप रिकवर कर जाती है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट डिजीज पढ़नी है वो चिकन पॉक्स है। इसका सीवियर फॉर्म जो होता है वो स्मॉल पॉक्स होता है, और स्मॉल पॉक्स जो है वो अब इरेडिकेट हो चुका है पूरे वर्ल्ड से, तो अब हम उसे नहीं पढ़ते हैं, पर उसका जिक्र जरूर कर लेते हैं जब भी हम वायरल डिजीजेस की बात करते हैं। मेनली हम स्टडी करते हैं चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो वर्सिला जोस्टर है, ठीक है। इसके अंदर फीवर, हेडेक दिखता है और पूरी बॉडी कवर हो जाती है विद ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मतलब आपको फुंसी सी दिखाई देगी जिसके अंदर कुछ पस या पानी या फ्लूइड आपको नजर आएगा। उसके बाद जैसे 1 वीक तक आपको वो बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स दिखेंगे और 1 वीक के बाद वो सूख कर ब्लैक होकर अपने आप वहां से स्क्रैप होते जाएंगे। जब वो वहां से रिमूव होते जाएंगे तो इस टाइम जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आता है या उस फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आता है, तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन। इसके अंदर भी हम एज सच कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। इसके बाद जो डिजीज है वो मीजल्स है। ये रूबेलियो वायरस के थ्रू होती है। मीजल्स के अंदर माइल्ड फीवर दिखाई देता है और पूरी बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैशेस प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज इज पोलियो। इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है।
इसके अंदर पार्शियल पैरालिसिस हो जाता है बॉडी के अंदर। पार्शियल पैरालिसिस इसलिए होता है कि जो पोलियो वायरस है वो आपके माइंड में जाके इफेक्ट करता है और आपके स्केलेटल सिस्टम को वर्किंग को स्टॉप कर देता है। जो आपका लोअर स्केलेटल सिस्टम है यानी लेग्स सबसे ज़्यादा इसके अंदर अफेक्टेड होते हैं। पर हमारे पास पोलियो की बहुत अच्छी सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे हम ओपीवी भी कहते हैं, ठीक है। और इस वैक्सीन की हेल्प से पोलियो को हम इरेडिकेट कर चुके हैं इंडिया से और पोलियो फ्री इंडिया बना चुके हैं। बट एज सच हमारे एनसीईआरटी में ये नॉलेज अपडेटेड नहीं है, तो हमें ये बस ये याद रखना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन है जो वेरी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है टू प्रिवेंट पोलियो। ये जो है ये इफेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के थ्रू स्प्रेड होती है। उसके बाद रेबीज है, जो रेबीज वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। अगर कोई डॉग बाइट के थ्रू, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज वायरसेस थ्रू द डॉग बाइट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेबीज वायरस को डॉग भी चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए, ह्यूमन्स भी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो पर्सन है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, यानी पानी से बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। तो हाइड्रोफोबिक जो है वो फर्स्ट साइन है रेबीज डिजीज का। इसका भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अगर रेबीज के सिम्टम आने लग गए तो फिर पर्सन को डेथ ही हो जाती है, लीथल डिजीज है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 years। एक बार हमने मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड जनरल टर्म जब हमने डिस्कस की तो मैं बता चुकी हूँ कि जब वायरस या कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर किया और उसका फर्स्ट साइन जब तक आया तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 years का होता है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन डिजीज है वायरल डिजीज की, वो है आपका HIV वायरस के थ्रू एड्स को, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे एड्स की मेथड, कॉज, प्रिवेंशन, लाइफ साइकिल। पर आपको अभी इसके अंदर जो मेनली याद रखना है वो याद रखना है कि किस पैथोजन या किस वायरस के थ्रू ये डिजीजेस हो रही हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन 1 marks में MCQs में आजकल पूछे जाएंगे, तो आप अंडरलाइन करिए जब भी NCERT को रीड करें इन वायरसेस के नाम, क्लियर। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है बेटा कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड का जो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी है। आप टाइफाइड को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि मोस्टली अगर इस पेज से क्वेश्चन आता है तो वो टाइफाइड से ही क्वेश्चन बनता है। तो इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को हम विडाल टेस्ट कहते हैं। इसे भी आप मार्क कर लें, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आइदर इन नीट और इन बोर्ड एग्जाम। विडाल टेस्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी की बात कर लें तो किसके थ्रू स्प्रेड होता है तो बता दें कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड करेगा। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू स्प्रेड करता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है साल्मोनेला टाइफी का, अगर उसका फीकल मैटर जाके वाटर बॉडी में मिल जाए या उसके हैंड से कुक्ड फूड खाए, तो जो भी बाहर का आपको फूड है वाटर है वो इसमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से ही स्प्रेड होता है साल्मोनेला टाइफी के थ्रू। सबसे ज्यादा बड़ा सिम्टम आता है इसके अंदर हाई फीवर रहता है, 1 week तक कॉन्स्टेंट हाई फीवर रहता है। योर द फीवर इज अराउंड 103 to 104 Fahrenheit, ठीक है। इतना हाई फीवर देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक एक, हेड एक, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, ठीक है। दूसरा जो हमें मेन खतरा होता है टाइफाइड का कि रिलैप्स होता है इसके अंदर, बार बार हमें देखने को मिलेगा। जैसे एक बार क्योर हो गया, फिर 6 months के बाद दोबारा हो गया, फिर 1 year के बाद दोबारा हो गया, तो रीअकरेंस या रिलैप्स इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 7 to 10 days है। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो 7 to 10 days के बाद देखने को मिलेगा।
कॉन्स्टेंट हाई फीवर इज द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ द डिजीज टाइफाइड. जो प्रोमिनेंट सिम्टम है टाइफाइड का वो हाई फीवर है इसके अंदर. उसके बाद विडाल टेस्ट के थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, एक हमें छोटी सी स्टोरी दी हुई है मैरी मेलोन की. मैरी मेलोन को हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं. ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट चलाती थी और इनने क्या किया कि अपने कुक्ड फूड के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत साल तक टाइफाइड देती रही. इन्हें हम टाइफाइड कैरियर भी कहते हैं और टाइफाइड मैरी भी कहते हैं. मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है. और मैरी मेलोन का एक रेस्टोरेंट था तो वो अपने हाथों से फूड बना के जब सर्व करती थी तो बहुत सारे लोगों को डिजीज स्प्रेड हुई थ्रू मैरी मेलोन. कई ईयर्स तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि मैरी मेलोन जो है वो कैरियर है टाइफाइड की और इसीलिए हमने इन्हें टाइफाइड मैरी कहा. उसके बाद टाइफाइड के अंदर कई बार आपको डेथ रिपोर्ट कर जाती है. डेथ रिपोर्ट करने का जो रीजन होता है वो हाई फीवर नहीं होता. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाती है. इंटेस्टाइन का परफोरेशन की वजह से सीवियर केसेस में जब आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं डिजीज को और बिल्कुल उसके लिए कोई मेडिसिन ही नहीं ले रहे हैं तो सीवियर केसेस के अंदर टाइफाइड के अंदर डेथ रिपोर्ट होती है. और डेथ रिपोर्ट का जो रीजन होता है वो परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन होता है. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाती है और बॉडी से वाटर बिल्कुल लूज हो जाता है. आपकी बॉडी होल्ड ही नहीं कर पाती है वाटर को. इंटेस्टाइन का काम आपको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन वाटर है. तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड में डेथ रिपोर्ट का रीजन क्या होगा तो टाइफाइड में जो डेथ रिपोर्ट का रीजन होता है वो परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन. उसके बाद ब्रिटेन जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज निमोनिया कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस सल्फी. प्लीज अंडरलाइन, इन सारे पैथोजन को आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि साइंटिफिक नेम है ये. तो निमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस सल्फी के थ्रू ये स्प्रेड होता है. और इसके अंदर क्या होता है कि लिम्फ और म्यूकस जो है वो जाकर एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में फिल हो जाती है. और जब लिम्फ और म्यूकस एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में फिल हो जाती है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, फीवर आता है, ब्रीद नहीं कर पाते हैं आप. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया. स्लाइट फीवर रहता है, ठीक है, हेडेक रहती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फील होती है. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग का रीजन क्या होता है कि लिम्फ और म्यूकस जो है वो आपकी लंग्स की एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स में जाके फंस जाता है. नेक्स्ट है बेटा कॉलेरा. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विब्रियो कॉलराई. ठीक है, विब्रियो कॉलराई भी कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है. और कॉलेरा के अंदर आपको देखने को मिलता है सबसे पहला प्रोमिनेंट सिम्टम कि आपकी बॉडी में फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं. फ्रीक्वेंटली लूज मोशन और वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के आयंस हैं उसकी आपको डिफिशेंसी हो जाती है. तो इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन नहीं हो पाता और डिहाइड्रेशन की कंप्लेन हमें देखने को मिलती है. ठीक है, इसके अंदर वॉमिटिंग और डायरिया जैसी कंडीशन रहती है, बिल्कुल सिमिलर टू डायरिया होता है कॉलेरा के अंदर. पर इसके अंदर जो मेन रीजन होता है कि चिंता क्यों होने लग जाती है कि बिकॉज इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर सब कम हो जाता है और सीवियर केसेस में कॉलेरा में कभी कभी डेथ रिपोर्ट की जा सकती है. नेक्स्ट डिप्थीरिया की बात करें. कॉलेरा और बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है. मेनली स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं 5 ईयर्स से कम के उनके अंदर ये देखने को मिलती है. इसके अंदर आपके बॉडी में फीवर और रैशेस ये प्रेजेंट हो जाते हैं. ठीक है, मेनली 5 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलती है. डिप्थीरिया को हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है क्योंकि डिप्थीरिया की हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन आ गई है. बहुत सीवियर केसेस में अगर किसी भी चाइल्ड ने वैक्सीनेशन को स्किप किया हुआ है, वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं ली हुई है, उसी केस में हमें डिप्थीरिया रिपोर्ट होती है. वरना डिप्थीरिया के केसेस बहुत कम आते हैं. बट आपको पॉजिटिव एजिंग याद रखना पड़ेगा. ज़्यादातर आपसे इसके पॉजिटिव एजिंग के बारे में ही पूछा जाता है. तो कोई वो बैक्टीरियम डिप्थीरिया को आप इम्पोर्टेंट मार्क करें. आज के लिए हमें यही डिस्कस करना था. थैंक यू.